हेलो फ्रेंड्स, ग्रीन नेचर में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों मैं मेरे बाग से योलो का कुछ वर्ल्ड क्लास वैरायटी में से कुछ चुनिंदा वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे पास जितने भी योलो गुलाब है, देखिए सबसे पहला गुलाब दोस्तों मैं मोहना लेके आया हूँ आपके सामने। मोहना दोस्तों एक बेहतरीन गुलाब का वैरायटी है और ये काफ़ी नामी वैरायटी भी है। आपको ये हर जगह आसानी से मिलते नहीं है और काफ़ी कॉस्टली भी है दूसरे गुलाब के मुकाबले। दोस्तों योलो में मोहना इसलिए इतना नामी है क्योंकि इसके कलर दोस्तों इतने सुंदर है और डार्क योलो में आते हैं। बिल्कुल जिस तरह का कच्चे हल्दी का रंग रहते हैं उस तरह का डार्क योलो है। और इनके जो पेटल्स है वो भी काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं, जिसके कारण ये फूल का जो लास्टिंग है वो भी बहुत दिनों तक दोस्तों रहते हैं। तो दोस्तों मोहना का कलर फेड भी नहीं होते और काफ़ी दिन प्लांट में भी लगे रहते हैं, इसीलिए दोस्तों मोहना का इतना डिमांड है और मोहना का इतना नाम है। तो दोस्तों देखिए, मैं मोहना का प्लांट मेरे पास 2 साल से है और काफ़ी अच्छे इसमें ग्रोथ है और बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी इसमें आए हैं और आपके सामने ही है। कितने इसके कलर देखिए दोस्तों, बेहतरीन इसके कलर है। मैं तारीफ़ जितना भी करूँ वो कम ही पड़ते हैं क्योंकि मैं एक गुलाब का शौकीन हूँ और मैं गुलाब का तारीफ़ जितना भी करता हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कम ही तारीफ़ कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा गुलाब का वैरायटी मैं दिखाऊंगा, ये भी योलो में है। दोस्तों इसके नाम है सोलरी। सोलरी दोस्तों डच वैरायटी का एक कट फ्लावर वैरायटी है और ये मैं पिछले साल प्लांट्स रोज वर्ल्ड से इस प्लांट को परचेस किया था। उसका अनबॉक्सिंग से लेकर सारा वीडियो आपके सामने मैं शेयर किया था। दोस्तों वही प्लांट है, देखिए एक साल में कितने ग्रोथ कर चुके हैं और इसके कलर देखिए दोस्तों कितने सुंदर है और किस तरह के इसके फ्लावर के शेप है। दोस्तों ये बिल्कुल कप शेप में आते हैं और कितने बड़े और लंबे फ्लावर हैं और फ्लावर का जो लास्टिंग है वो भी काफ़ी लंबे समय तक ये चलते हैं। तो दोस्तों सोलरी जो है वो जैसे कि आप मार्केट में देखते हैं कट फ्लावर के हिसाब से बिकते हैं, जो फ्लावर बुके उके में रहते हैं उसी तरह का बुके में इस तरह का वैरायटी का रोज़ दिया जाता है। दोस्तों ये देखिए, इसके सेंटर में दिखा रहा हूँ, सेंटर बिल्कुल ओपन नहीं होते हैं और ये एक डच वैरायटी का प्लांट का खासियत है। डच वैरायटी में जितने भी फूल आते हैं इसके सेंटर दोस्तों ओपन नहीं होते हैं और काफ़ी स्लो ओपनिंग रहते हैं ये, और स्लो ओपनिंग रहने का चलते दोस्तों जब एक बार फ्लावर आपके प्लांट में आए तो 20 से 25 रोज आसानी से ये लास्टिंग करते हैं। एक फ्लावर देखिए दोस्तों, नीचे ये पानी के बाहर से झुक गए हैं, हालांकि इसके फूल झुकते नहीं हैं क्योंकि इसके टेंडेंसी है दोस्तों एक लंबे स्टिक आएंगे और उसमें फ्लावर आएंगे। तो दोस्तों सोलरी जो है वो इसीलिए इतना नामी है और इसीलिए इतना डिमांड इसके रहते हैं। देखिए दोस्तों एक लंबे स्टिक आए हैं और स्टिक के ऊपर एक फ्लावर है और इसके फोलियज देखिए दोस्तों, डार्क ग्रीन फोलियज है और चमकदार पत्ती है। दोस्तों अगर आपके प्लांट में फूल नहीं भी लगे हो तो इनके फोलियज से ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह दोस्तों सोलरी मैं आपको दिखाया, दोस्तों मैं पिछले साल जितने भी प्लांट बाय किया था सब धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें से एक सोलरी था। सोलरी दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो सोलरी आप एक ऐड कर सकते हैं अपने पास। अगला गुलाब की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये एक इंडियन वैरायटी है और इसका नाम है दोस्तों अभिसारिका। अभिसारिका दोस्तों इंडियन वैरायटी का रोज़ है और इसके देखिए कितने सुंदर इसके कलर हैं। ये प्योर योलो तो मैं नहीं कह सकता, लाइट योलो में रेड स्ट्राइप आते हैं दोस्तों, और ये जब फ्लावर धीरे धीरे ओपन करते हैं तभी इसकी सुंदरता देखने लायक रहते हैं। अभिसारिका दोस्तों मेरे पास लगभग 3 साल हो चुके हैं अभिसारिका का प्लांट मैं परचेस किया हुआ, और अभिसारिका का प्लांट दोस्तों काफ़ी ग्रोथ है इसमें और मैं नेक्स्ट रोज़ का दिखा रहा हूँ इस फ्लावर को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट रोज़ होते होते इसके फ्लावर का खूबसूरती है वो काफ़ी घट जाते हैं। तो दोस्तों जब ये फ्लावर ओपन होते हैं तब इसके कलर कुछ रहते हैं और 2 दिन बाद लगभग, ये मैं 2 दिन बाद का है, देखिए दोस्तों इसके कलर बिल्कुल चेंज हो गए हैं और जितना सुंदरता इसके ओपनिंग में था उतनी सुंदरता अभी है नहीं। इसीलिए अभिसारिका बहुत किसी को पसंद आते भी हैं और बहुत किसी को पसंद नहीं भी आते हैं, लेकिन दोस्तों इंडियन वैरायटी का रोज़ है इसीलिए थोड़ा डिजीज़ रेजिस्टेंस भी है और इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें किसी तरह का कोई डिजीज़ आते नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें गार्डनिंग पसंद हो। कमेंट करके आप बताइएगा आपको कैसे लगा मेरा प्लांट। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।